Redhead. Rolling. 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 Now. Rolling. थोड़ा घूम पीछे हाथ लगे. Comfortable? Yeah, yeah. अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और शुरुआत में जर्नी थोड़ी सी खराब रही थी बट अब तो झंडे गाड़ दिए मैंने. अब कैसा रहा वोटिंग के वक्त, कैसा रहा एक्सपीरियंस फैन के साथ मिलकर? पहली बार मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया और मुझे पता नहीं था कि ऐसा रिस्पांस आएगा एंड बहुत ओवरवेलमिंग था और मेरे लिए ऐसा कुछ होना बहुत ही नया है. So, अभी थोड़ा सा लव को लगता नहीं बीबी मॉल में बीबी जो टास्क था मॉल वाला तो उसमें अगर वो दिल्ली में होता जी सो क्या लगता है आपको क्या जो किस्मत थी पलटने वाली थी या फिर कुछ अनोखा चमत्कार होता वहाँ पे अगर ये दिल्ली में होता टास्क तो? आई थिंक ऑनेस्टली मुझे अभी तक बाहर का कुछ ऐसा पता नहीं है कि हो क्या रहा है तो मैं उस चीज़ पे मैं कुछ कह नहीं सकता. बट देन मुंबई भी है वहाँ, मुंबई भी इंडिया में ही है यार. नहीं तो जनता तो वही है ना, अब 19-20 का फ़र्क आया है वोट्स में. सो आई थिंक जो है वो सही फेयर जो भी हुआ. सर अच्छा, आपको नहीं लगा कि आपने हिना के साथ गलत किया? जी नहीं. क्या कि उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया जी स्टार्टिंग से? और मैंने नहीं किया उन्हें. मैंने भी तो किया उन्हें सपोर्ट. बट ही सपोर्टेड सो मच यू. अच्छा जी ऐसा बाहर दिखने में आया. देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि 13 हफ्तों तक मैंने उनके साथ गेम खेला, हर टास्क उनके साथ किया, उनके साथ और प्रियांक के साथ. बट 14th week में मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअली खेलूँगा और टिकट टू फिनाले मुझे किसी भी हाल में चाहिए. तो ये मेरा डिसीजन था और मैं उसको रिग्रेट तो करता नहीं. लव किस कंटेस्टेंट से आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे उस घर में? इनसिक्योर जी यार सभी से करता था एक टाइम पे. तो देयर वाज अ टाइम कि मुझे लगता था कि क्या होगा अब आगे जाके, कुछ कर नहीं पा रहा था इन द बिगिनिंग. बट धीरे धीरे जब गेम अच्छा होने लगा तब वो इनसिक्योरिटी अपने आप ही जाने लगी, वो कॉन्फिडेंस आने लगा वापस. तो इनसिक्योरिटी तो कह लो कि सभी से थी एक टाइम. जब आप मॉल में गए ना लव तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ऑडियंस में, लोग शाउट कर रहे थे नाम अलग अलग कंटेस्टेंट के, तब आपका क्या रिएक्शन था उसके द्वारा और किसका नाम सबसे ज़्यादा जो है मतलब आ रहा था और क्या क्रेज़ था वहाँ पर थोड़ा बताइए ना. ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा अगर मैंने नाम सुना जिनका वो शिल्पा शिंदे. मतलब जो भी पब्लिक जो भी मॉल में क्राउड था मतलब दे आर क्रेजी आफ्टर शिल्पा जी. तो वो चीज़ एक देखना, वो एक फैंडम बहुत अलग है. मॉल में हिना के साथ जो हुआ ऐसे लोगों ने उनके जो हिटर्स थे उनके उनको बाल बाल खींचा ऐसे हिना ये क्या, बात क्या सीन था? ये बात मुझे मतलब अभी पता चली है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और कोई वीडियो भी है. बट उन्होंने जो घर में बताया मुझे यही बताया था कि शायद उन्हें लगा कि बाल खींचे हैं किसी ने या फिर उनके बाल कहीं फंस गए. तो उनको खुद आइडिया नहीं है कि हुआ क्या है. अब वो आपको शायद वही बता पाए उन्हें. सबसे खुद ज़्यादा मिस किसको करेंगे बिग बॉस हाउस? ऑनेस्टली सबको ही मिस करूँगा पर अपने दोस्तों को ज़्यादा करूँगा जिनके साथ था, प्रियांक, हिना, बेन, सपना, मैं जब भी सबको मिस करूँगा. लव सबसे ज़्यादा डियरी जो फ्रेंड था वो प्रियांक है या फिर हिना आपके लिए? एक मतलब जो मेरे करीब है, करीब सबसे ज़्यादा डियर फ्रेंड. चूज नहीं कर सकता कोई भी. चूज नहीं कर सकता. नहीं बोलिए. जानना चाहेंगे बिग बॉस से आपकी लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा, कितना एडवांस लेंगे आप? लाइफ में तो ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ा है बिकॉज मेरे को मुझे कोई नहीं जानता था. मैं जेन्युइनली एक कॉमन मैन हूँ जिसको जेन्युइनली मतलब बहुत लिमिटेड लोग जानते थे. और इस शो में आने के बाद ऐसा रिस्पांस जब मुझे मिला तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. सब कुछ चेंज हो गया. सर जैसे कि लास्ट वीक में सब लोगों ने कहा कि हम पॉपुलर है और सेलिब्रिटी है,
इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया था पहले जी फर्स्ट इतने एपिसोड में, लेकिन लास्ट में ऐसा क्यों हुआ? मतलब और शिल्पा मैम भी रोई ऊपर जी। हुआ ये कि हमने एक अलग गेम जो हमने एक स्टैंड लिया अलग खेलना है हमें, उस चक्कर में क्या हुआ कि दो लोगों के दिल थोड़े से टूटे, आई मीन शायद हिना के और शिल्पा जी के, कि ये लोग हमसे अलग हटके खेल रहे हैं पुनीश और लव। पर टिकट टू फिनाले का की बात थी और 14th वीक का टास्क था, हमने उन लोगों को बता के किया कि हम ये करने वाले और उन्होंने अग्री किया कि ठीक है आप लोग करें, तो आई थिंक फिर भी उन्हें हर्ट हुआ। जो 1-6 का जो टास्क था स्टार्टिंग में जी जी जी, जिस पे आकाश और पुनीश गए जी, अगर आप लड़ते तो आप कौन से, मतलब कौन से नंबर, कौन से इसमें रहना चाह रहे थे पोजीशन में 1-6 में? अगर आप देखिए मैं 6 पे खड़ा नहीं होता, 5 पे खड़ा नहीं होता, बट मैं 1-4 किसी पे भी खड़ा हो जाता क्योंकि मुझे भरोसा है बाहर कि मुझे पसंद किया जा रहा है, पर मैं उस चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ा सकता कि मैं नंबर 1 पे ही हूँ या नंबर 2 पे। तो 4 पे भी खड़ा करोगे तो आई एम ओके। लव, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स दैट हिना इज बीइंग रूड टू यू? हिना एक टास्क में मेरे से थोड़ा सा रूड हो गई थी, मॉन बीवी वाले टास्क में, तो उसी वक्त मैंने उनको उस चीज़ की, हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया था उसी वक्त, तो इक्वली मैं भी रूट हो गया था एंड वो एक बहसबाजी थोड़ी सी दोस्तों में हो जाती। आई थिंक वो बात को खींचा नहीं हमने और इन द एंड वो बात ख़त्म हो गई। सो डू यू थिंक दैट हिना हैज़ सम ईगो प्रॉब्लम और समथिंग इन हाउस जनरली? बिकॉज हमें जो दिखाया जाता है वो अलग है और आपने अलग एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभार क्या होता है, आपको आपके दोस्त में ईगो दिखता है तो आप बोल देते हैं तुम्हारे में ईगो है, तो वो मैंने उन्हें बोला, वो उन्होंने सेम चीज़ें मुझे भी बोली। सो आई थिंक सब में ईगो है थोड़ा थोड़ा। शिल्पा, आपको कौन लगता है कौन जीतेगा फिनाले? शिल्पा शिंदे। हिना को लोग बहुत फेक बोल रहे हैं बाहर, ऐसे बोल रहे हैं कि बड़ी ड्रामेबाज है, कभी भी रोती रहती है, तो देखो ड्रामा क्वीन का टैग तो मैंने भी उसको दिया था, ड्रामा तो थोड़ा बहुत करती रहती है, बट फेक तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि फेक है। जैसा कि लोग आपके फॉलोअर्स आपको सलमान खान, अपकमिंग फ्यूचर का सलमान खान मानते हैं आपके फेस को देख के, आपकी फ़ोटो कैरी की जाती है दूसरे के साथ में, तो आप कितना इस बातों को, इन बातों को फॉलो करते हैं, आप कितना सलमान खान को फॉलो करते हैं? देखिए मैं शुरू से उनका फ़ैन रहा हूँ और मुझे मतलब मेरा सपना था कि मैं उनसे मिल पाऊँ और इस शो में आ पाऊँ, तो वो दोनों इक्वली मतलब एक साथ पूरे हो गए मेरे सपने कि मैं इस शो में भी आया और मैं उनसे भी मिला। एंड रही बात ये जो आप बता रहे हैं मुझे, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, अगर ऐसा 0.5% भी है तो आई एम ब्लेस्ड, बहुत अच्छी बात। लव, हिना और शिल्पा की दोस्ती बहुत ज़्यादा चर्चे में है आजकल, क्या ये सच की दोस्ती है या फिर कोई गेम प्लानिंग हुई है समथिंग और हिना ने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की है? हिना और शिल्पा की दोस्ती बहुत हमें दिखाते हैं टीवी में। अच्छा, आई थिंक उनकी बॉन्डिंग हुई थी बीच में, बट देन वो माउंट बीवी वाले टास्क में काफ़ी कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि हिना को लगा कि शिल्पा जी उनका साथ नहीं दे रही और शिल्पा जी को लगा कि हिना उनका साथ नहीं दे रही, जबकि दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते थे और वो टास्क जीत भी सकते थे, पर वो हो नहीं पाया। ओके, सो लव, मोस्टली हिना टारगेट करती है आकाश को, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? आकाश को, आई थिंक आकाश अब वो हिना ही जाने, वैसे मैं समझ नहीं पाता क्योंकि मैं आकाश को इतना टारगेट करता नहीं हूँ, मुझे सही लगता है आकाश, वैसे इरिटेटिंग है थोड़ा सा बट अच्छा है। ओके, लास्ट टास्क में आपने पुनीश के साथ की गेम खेला था मिलकर, और अभी वो अंदर और बाहर, तो आपको क्या लगता है आप कम डिजर्विंग है उनसे? ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बट उसने थोड़ा सा ज़्यादा शायद दिमाग चलाया उस टास्क में, जब 1-3 हमें जो पोजिशन लेनी थी उस नॉमिनेशन वाले टास्क में, और स्मार्ट प्ले करके उसने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन चूज़ की, मैंने भी सोचा कि थर्ड मैं ले लेता हूँ, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को ये नॉमिनेट करेंगे मे बी, बट वो उल्टा पड़ गया कि थर्ड को भी उन्होंने कर दिया। जब विकास हार गए थे टास्क में तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक से, तो सबको लगा कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और अभी वो ग्रुपिज्म भी नहीं रहा जी, ऐसे 2-3 टास्क हुए हैं पहले जिसमें टास्क होने से पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो लोग इसलिए ये चीज़ बोलते हैं कि हर टास्क से पहले ये हो जाता है।
तो इस वजह से शायद लोगों को लगता है कि वो रात से पहले बीमार हो जाते हैं। लव आपकी जो जर्नी रही है कॉमनर के रूप में आया और इतने अच्छे शानदार तरीके से आप इतने हफ्ते मतलब सही सलामत रहे, आपने हितेन सर और प्रियांक तक को भी पीछे छोड़ दिया जी। तो क्या रहा, मतलब कैसे हुआ ये सब, आपको क्या लगता है कि आप क्या इसका स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? आई थिंक जनरली मैंने कोई ऐसा सोच समझ के कोई गेम नहीं खेला कि मैं अब ऐसे चलूँगा या वैसे चलूँगा, बस मैं और ओपन होता गया, मैं और अपने आप को और दिखा पाया कि मैं ये, तो शायद यही ऑडियंस में जा मतलब पब्लिक को पसंद आया और इसलिए मैं सेमीफिनाले तक पहुंचा। अच्छा, घर के मास्टरमाइंड विकास के बारे में आप बताएं। देखो बहुत अच्छा खेलते हैं वो और बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर हैं जेन्युइनली। वो भी चाहते थे पहले कि कभी मैं उनके साथ खेलूं टास्क में, पर मैं नहीं खेल पाया, मैं भी चाहता था, ऐसा हो नहीं पाया पता नहीं क्यों कभी, बट जेन्युइनली वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंस दिखाई है इस पूरे शो फॉर श्योर 1000% जी। घर में आपकी बात हुई है, घर से आने के बाद आपके घर में? जी हाँ, एक बार बात। क्या था घर वालों का रिस्पॉन्स मिला घर की तरफ से आपको? ज़्यादा बात नहीं हो पाई बट बोल रहे हैं अच्छा है, प्राउड ऑफ यू बोल रहे हैं। सर जो भी आ जाए हाथ में देखेंगे क्या कर पाएंगे, जो भी आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।